यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, कैडर। कैडर का मतलब तो आप सबको पता ही होगा कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद कौन सा अधिकारी किस राज्य में काम करेगा। लेकिन सुनने में ये शब्द जितना छोटा लगता है, ऑफिसर्स के लिए उतनी ही बड़ी सरदर्दी भी हो जाती है। सरकार कैसे कैडर का आवंटन करती है, क्या कैडर में बदलाव किया जा सकता है, क्या कैडर सिलेक्शन में कैंडिडेट की सहमति भी ली जाती है, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लाट फॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें, और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है, क्या शादी होते ही IAS ऑफिसर अपना कैडर बदल सकते हैं? यूपीएससी परीक्षा में सफल होना भर किसी को सरकारी अधिकारी का दर्ज नहीं दिलवा सकता है। यूपीएससी परीक्षा में प्राप्त रैंक और रुचि के आधार पर सिविल सर्विसेज प्रदान किए जाते हैं। बाद में सफल उम्मीदवारों को उनकी वरीयता और राज्य में रिक्ति के आधार पर पद दिया जाता है। कैडर का अर्थ है कि सफल उम्मीदवार कहाँ रहकर काम करेगा। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद सर्विसेज मिलती हैं, फिर कैडर मिलता है। यूपीएससी कैडर भारत में कई क्षेत्रों में विभाजित हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि यूपीएससी DAF फॉर्म भरते समय कैडर की सूची बहुत विचार पूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि इसी से ये तय होता है कि सफल होने के बाद आप कहाँ काम करेंगे। कैसे होता है कैडर का आवंटन? भारत के सभी राज्यों को 5 कैडर में बांटा गया है। यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इन्हीं में से एक में नियुक्ति किया जाता है। जोन स्टेट कैडर, जोन 1 एग्मुट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। जोन 2 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। जोन 3 गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जोन 4 पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। जोन 5 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। फॉर्म में कैडर वरीयता कैसे भरे? यूपीएससी DAF फॉर्म में कैडर वरीयता भरने का ऑप्शन मिलता है। यूपीएससी परीक्षा में पास होने के बाद उसी के आधार पर कैडर अलॉट किया जाता है। 1 जोन के लिए प्रेफरेंस, 2 कैडर के लिए प्रेफरेंस, 3 हर जोन और कैडर के लिए इस प्रक्रिया को रिपीट किया जाना चाहिए। 4 अगर कोई उम्मीदवार यूपीएससी का 1 या उससे अधिक कैडर के लिए अपनी वरीयता नहीं बताता है तो माना जाएगा कि उन्हें किसी खास जोन या कैडर की सर्विसेज नहीं चाहिए। कैडर में बदलाव कैसे हो सकते हैं? ज्यादातर मामलों में किसी IAS या IPS अफसर को होम कैडर में नियुक्ति नहीं मिलती है। हालांकि रैंक हाई होने या होम राज्य में रिक्त पद ज्यादा होने पर होम कैडर में नियुक्ति मिल भी सकती है। इसी तरह एक बार कैडर अलॉट हो जाने के बाद उसमें बदलाव मुश्किल होते हैं, लेकिन शायद एक ऐसा कारण है जिसके आधार पर अधिकारियों का कैडर बदला जा सकता है। एक IAS अफसर शादी के बाद अपने पति या पत्नी के कैडर में आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रावधान है, लेकिन उन्हें घरेलू कैडर में शामिल होने की अनुमति नहीं मिल सकती। जो शादी के बाद एक अफसर को दूसरे कैडर में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जाता है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य या कैडर उस अफसर को अपने यहाँ स्थानांतरित करने को तैयार है। सरकार किसी तीसरे कैडर में ट्रांसफर करने का विचार कर सकती है अगर दोनों पार्टनर्स के कैडर उनमें से किसी एक को अपने यहाँ पोस्टिंग देने के लिए तैयार नहीं है। पति पत्नी दोनों IAS अफसर होने पर ही अंतर कैडर ट्रांसफर संभव है। केंद्रीय राज्य या PSU एम्प्लॉय से शादी करने वाले IAS अफसर को इस ट्रांसफर की अनुमति नहीं मिलेगी। कैडर बदलने की अनुमति भी मिलती है किसी भी बड़े मामले या कठिन परिस्थिति में, लेकिन यहाँ भी होम कैडर में ट्रांसफर नहीं मिलता। कभी कभी सरकार खुद अफसरों को दूसरे कैडर में स्थानांतरित करती हैं, यहाँ वो होम कैडर में भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेवा में 9 वर्ष पूरे होने की आवश्यकता है। कोई भी IAS अफसर अपने घर पर 5 साल सेवा कर सकता है, साथ ही इसमें लगातार 3 साल से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के सचिव को शादी के आधार पर अंतर कैडर ट्रांसफर को मंजूरी देने का आधार दिया गया है। अक्सर कैबिनेट की नियुक्ति समिति को ही अनुरोध भेजा जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।